भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज, और ग्लोबल विलेज जो है वो दुबई की बेस्ट जगहों में से एक जगह है। अच्छा, जो जब खत्म हो जाता है तो वो पूरा साल याद आता है, और उसके लिए हम इंतजार करते हैं कि कब ग्लोबल विलेज वाला सीजन आए और ग्लोबल विलेज खुले। तो ग्लोबल विलेज जो है वो सबकी पसंद की जगह है, क्योंकि बड़ों के लिए भी वहाँ शॉपिंग है और बच्चों के लिए भी। तो हर तरह के मज़े हैं ग्लोबल विलेज में, डिफरेंट डिफरेंट फूड्स होते हैं, डिफरेंट पवेलियंस होते हैं वहाँ पे भी। तो ग्लोबल विलेज आज हम चलते हैं और आपको भी ग्लोबल विलेज दिखाते हैं। फरीशा जो है वो सोई भी है। फरीशा को हमने घर से निकलते हुए बोला था कि हम एक्सपो जाएंगे, और उसने ग्लासेस लगा कर वो तैयार है। अब पता नहीं जब हम वहाँ पहुँचेंगे और उसको बताएंगे कि हम ग्लोबल विलेज आए हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है। फरीशा इस टाइम सो रही है बहुत मज़े से। चले चल के देखते हैं रश कितना। बाहर तो बहुत रश था और जगह जगह उन्होंने रास्ते बंद करना शुरू कर दिए थे। वरीशा, वरीशा, वरीशा उठो, देखो हम कहाँ हैं। वरीशा अभी नहीं उठ रही। आओ वरीशा, अभी नहीं उठ रही। कौन उठाएगा? ताक करके उठाओ। ऐसे ताक कर। वरीशा तो नहीं उठ रही। चलिए देखते हैं क्या करना है। मौसम जो है वो बिल्कुल ठीक है, अच्छा मौसम है, गर्मी नहीं है। दिन में बहुत गर्मी थी, तो चलें अंदर चलते हैं। हम हमेशा ऑनलाइन ही टिकट लेके रखते हैं, और आसानी रहती है। यहाँ के अलग से टिकट की लाइन में नहीं लगना पड़ता आपको। कलर्स देखो, कलर्स कितने खूबसूरत कलर्स हैं, और ये लैंप। चलें जी, चलते हैं पाकिस्तान पवेलियन में, और दिल खुश हो जाता है। टिकट लेकर पाकिस्तान जाना तो फ़िलहाल मुश्किल है, तो चलो पाकिस्तान पवेलियन में जाकर ही दिल खुश करते हैं। लोग बहुत चीज़ें ख़रीदते हैं पाकिस्तान का, कपड़ा स्पेशली, बैग्स, लेदर, स्पेशली आते हैं लोग खरीदने। पाकिस्तान कपड़े के बने हुए ना फ्रॉक हैं लोग मैक्सिस, तो वो लोग खरीद रहे हैं। अच्छी हैं, लेकिन हम अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान से हैं, तो हम तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग जो हमारे देसी कपड़े होते हैं वो हम पाकिस्तान से ही लेकर आते हैं अपना सारा स्टॉक। चले जी, ग्लोबल विलेज आएं और यहाँ से कुछ ना खाएं, ये हो नहीं सकता। आज हम खाने लगे हैं समोसा चाट। मज़ा आया।
ये जो है ये फ्लोटिंग मार्केट है सारी, और खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर। और वो जो है वो यहाँ पर ड्रैगिंग शो होता है। लोग जो हैं वो बिल्कुल पिकनिक की तरह भी आए हुए होते हैं, अपना सारा सामान वगैरह लेके घर से, खाना वगैरह लेकर, तो जिसका जैसे दिल चाहता है वो यहाँ एंजॉय करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ आएँ और शॉपिंग ही करें, आप सिर्फ देख सकते हैं, अपने साथ खाना ला के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हर तरह का यहाँ पर ना मज़ा है भाई। पाकिस्तान पवेलियन में तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, और ऐसा ही होता है, हम जब भी आते हैं हमारा टाइम वहीं ज़्यादा गुजर जाता है। और हम चाइना में बहुत ज़रूर जाते हैं, और एक हमारा फेवरेट है चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, इनमें तो जब भी आए हमारा चक्कर लगता ही लगता है। ये जो है ये ग्लोबल विलेज में फूड स्ट्रीट की तरह बना हुआ, और डिफरेंट डिफरेंट मज़ेदार खाने हैं यहाँ पे। और एक आप ग्लोबल विलेज आएँ और बोस्नियन कबाब ना खाएं। अब जी हम चाइना के अंदर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। रेस्टोरेंट में बैठ के खाते, लेकिन बहुत रश था और बारी आने में बहुत टाइम लग रहा था।
हमने तो आज बहुत मज़ा किया और शुक्र है कि मौसम भी बहुत अच्छा था, गर्मी नहीं थी। शाम के टाइम ही ग्लोबल विलेज जो है वो खुलता है और अब सब हम जा रहे हैं। बच्चे भी बहुत थक गए हैं और हम भी बहुत थक गए हैं। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। हाय व्लॉग, आप सब लोग ठीक हैं?